गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आरजे केयर पॉइंट की ऑनलाइन एंड लाइव नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस की जो आपकी सीएचओ के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अभी एग्जाम डेट का कोई कंफर्म नहीं है, आपके लिए हर एक दिन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू रखें। जब तक आपका एग्जाम होता है तब तक आप डेली एक इसी मोटिवेशन के साथ आप मेहनत करते रहें तो ऑब्वियसली आपका जो सपना है नर्सिंग ऑफिसर बनने का वो जरूर पूरा होगा। और स्पेशल क्लासेस यहां से स्टार्ट कर रखी है हमने सीएचओ और सीआरपीएफ के लिए। अगर कोई स्टूडेंट बेसिक से कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो आप हमारे सपोर्टी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जहां पे आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और दो चार दिन से अपनी क्लासेस नहीं हो पा रही थी, अब आपकी रेगुलर क्लास होगी, ठीक है। यूट्यूब पे आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी और सीआरपीएफ के लिए मैथ और रीजनिंग की क्लासेस हम अरेंज कर रहे हैं, आज या कल से अरेंज कर देंगे, जिसमें आपको पैरेलल एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग की आपकी क्लासेस करवाई जाएंगी। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएं, देन उसके बाद में हम हमारा आज का बेहतरीन सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन आपके नहीं होंगे, सीएचओ के अंदर बेसिक क्वेश्चन सारे पूछे जाएंगे आपको। बस ये है कि आप थ्योरिटिकल पोर्शन को जितना ज्यादा रिवाइज कर लोगे उतना ही आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से अपन बात करते हैं। और इसके अलावा जो बीएफएचएस का एग्जाम आने वाला है उसके लिए भी हमने सीबीटी टेस्ट स्टार्ट कर रखा है, सीएचओ के लिए सीबीटी टेस्ट स्टार्ट कर रखा है। तो जिस भी रिगार्डिंग आपको हेल्प यहां से चाहिए, आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। और रेगुलर आपकी यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है वापस, बीच में थोड़ा आपको टाइम या ब्रेक आपको दिया गया है, अब रेगुलर आपकी क्लासे होंगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस के साथ अपन बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ ऑब्स्ट्रक्टिक से कुछ बेसिक क्वेश्चन है, सभी को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और अपना जो भी आपका सेलेक्टिव आपका रेस्पॉन्स हो वो आपको देना है, ठीक है। देखिए जनरल अवेयरनेस के अंदर आपका करंट अफेयर आप पढ़े लास्ट टू टू थ्री मंथ्स का आप करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करें। इसके अलावा जो हेल्थ प्रोग्राम्स जो चलाए गए हैं, ठीक है, उन पर भी आप कुछ फोकस करके रखें क्योंकि वहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द इमीडिएटली बिफोर द एक्सपल्सन विच इज द फॉलोइंग कार्डिनल मूवमेंट, अकर। एक्सपल्सन से जस्ट पहले कौन सा कार्डिनल मूवमेंट आपको देखने को मिलता है? यहां पर अपन बात कर रहे हैं लेबर की सेकेंड स्टेज की। लेबर के अंदर हम मोस्टली तीन स्टेजेस पढ़ते हैं, वैसे अपन चार पढ़ते हैं, जिसमें एक अपन जो भी फॉलोइंग केयर होती है, जिसमें अपन वाइटल स्टैटिक्स अपन चेक करते हैं, उसके साथ अपन चार स्टेज होती है, लेकिन मोस्टली अपन तीन स्टेज पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेज के अंदर सर्वाइकल डायलेशन होता है, सेकंड स्टेज के अंदर एक्सपल्सन ऑफ द फीटस एंड थर्ड स्टेज के अंदर एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा होता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है इमीडिएटली बिफोर द एक्सपल्सन, एक्सपल्सन का मतलब हो गया कि जब कंप्लीट बेबी डिलीवर होता है जस्ट उससे पहले कौन सा कार्डिनल मूवमेंट, मतलब इवेंट ऑफ लेबर आपको पूछा है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर कुछ कार्डिनल मूवमेंट होते हैं जैसे फंडल डोमिनेंस, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, देन सर्वाइकल इफेस्टमेंट, देन सर्वाइकल डायलेशन एंड लास्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ द बैग ऑफ द मेम्ब्रेन, कि वाटर ऑफ बैग ऑफ मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। ये होता है आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के कुछ इवेंट है। नेक्स्ट वन उसके बाद में जब सर्वाइकल डायलेशन कंप्लीट हो जाता है देन उसके बाद में स्टार्ट होती है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर कुछ फॉलोइंग इवेंट है, जैसे फर्स्ट वन है एंगेजमेंट,
देन इज द डिसेंट, फिर होता है फ्लेक्शन, उसके बाद में होता है इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड, देन एक्सटेंशन, ठीक है सॉरी, उसके बाद में जब इंटरनल रोटेशन हो जाएगा फिर उसके बाद में एक स्टेज आती है क्राउनिंग। क्राउनिंग के अंदर क्या होता है, हेड विजिलेंस होता है 3-4 सेंटीमीटर होने लग जाता है। क्राउनिंग होने के बाद में आपको क्या देखने को मिलता है, एक्सटेंशन देखने को मिलता है। एक्सटेंशन में सिर्फ हेड डिलीवर होता है, एक्सटेंशन में केवल हेड डिलीवर होता है। सेकंड स्टेज ऑफ मैकेनिज्म अपन बात कर रहे हैं, सही है, एक्सटेंशन के अंदर केवल हेड डिलीवर होता है, तो अपन यहां पर कंप्लीट एक्सपल्सन की बात करें। अगर आप इसके अकॉर्डिंग आंसर कर रहे हो कि एक्सटेंशन या एक्सपल्सन सेम चीज है, तो दोनों डिफरेंट है, ठीक है। एक्सटेंशन में केवल हेड डिलीवर होगा, देन उसके बाद में क्या होगा, रेस्टिट्यूशन होगा, ठीक है। अपोजिट जो इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड हुआ था उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, रेस्टिट्यूशन होता है। रेस्टिट्यूशन के बाद में क्या होगा, वापिस इंटरनल रोटेशन ऑफ द बॉडी एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड, दोनों ऑप्शन आपके राइट हो सकते हैं, ठीक है। इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड, ये एक इमीडिएट मूवमेंट होता है। उसके बाद में क्या होगा, फिर डिलीवरी ऑफ द शोल्डर एंड ट्रंक, ट्रंक और कंप्लीट बेबी की क्या होती है, एक्सपल्सन होता है। सो ऑप्शन डी आपका यहां पर राइट आंसर होगा। अलग अलग स्टेजेस होती हैं, मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले क्या होता है, एंगेजमेंट, ठीक है। एंगेजमेंट के अंदर क्या होगा, फीटस जो होगा डाउनवर्ड डिसेंट होगा, ठीक है। स्टेल स्पाइन जो होती है अपना, या इसको अपन बोलते हैं स्टेशन जीरो पर क्या होता है, फीटल हेड प्रेजेंट होता है। कहां पर, स्टेशन जीरो के ऊपर प्रेजेंट होता है, उसको अपन बोलते हैं एंगेजमेंट। एंगेजमेंट के बाद में क्या होगा, डिसेंट, वापस बेबी क्या होगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डिसेंट होगा। देन उसके बाद में क्या होगा, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में क्या होगा, जो हेड होता है वो फ्लेक्स हो जाता है, किसकी तरफ, टुवर्ड द चेस्ट। हेड इज फ्लेक्स टुवर्ड द चेस्ट। 3000 क्वेश्चन देंगे भैया, आज ही दे देंगे आपको, ठीक है। इसमें क्या होता है, फ्लेक्शन में हेड फ्लेक्स हो जाता है टुवर्ड द चेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन बात करें अपन, जैसे ही हेड फ्लेक्स होगा चेस्ट की तरफ, उसके बाद में इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड होगा, हेड का इंटरनल रोटेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन उसके बाद में होता है क्राउनिंग। क्राउनिंग में क्या होता है, हेड विजिलेंस 3-4 सेंटीमीटर हो जाती है। वीरेंद्र जी आपको दे दी जाएगी, ठीक है, क्वेश्चंस ऐप के अंदर डाल दिए गए हैं, आप चेक कीजिए वहां पे। ठीक है बेटा, ऐप के अंदर चेक करो आप। क्राउनिंग के बाद में क्या होगा, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो प्रोसेस होती है, इसका मतलब होता है हेड डिलीवर। हेड क्या होगा, डिलीवर होगा। हेड डिलीवर होने के बाद में क्या होता है, रेस्टिट्यूशन, यानी अपोजिट मूवमेंट ऑफ द इंटरनल रोटेशन। जो इंटरनल रोटेशन हुआ था उसका जस्ट अपोजिट मूवमेंट होता है, एक लार्ज प्रोसेस है, मैंने आपको क्लियरली पढ़ा रखी है। देन उसके बाद के अंदर क्या होता है, फिर इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर और एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड, और उसके बाद में क्या होता है, एक्सपल्सन। तो एक्सपल्सन से जस्ट पहले ये स्टेज होती है, या तो एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड होगा या फिर इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ऑफ द पेल्विस दैट डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द डिसेंट ऑफ द हेड इज नोन एज। अभी हमने बात की कि हेड क्या हो रहा है, डिसेंट, डाउनवर्ड डिसेंट हो रहा है, ठीक है। अब वो जब डिसेंट डाउनवर्ड हो रहा है, तो उसके लिए पेल्विस के अंदर एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क फिक्स किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लैंडमार्क फिक्स किया गया है, तो कौन सा होगा, लीनिया टर्मिनलिस, सैक्रम, स्टेल स्पाइन या स्टेल ट्यूबरोसिटी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ऑफ द पेल्विस दैट डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द डिसेंट ऑफ हेड इज नोन एज। सी को लॉक कर दिया जाए, तो यहां पर बिल्कुल स्टेल स्पाइन जो होता है वो अपन एक लैंडमार्क की तरह मानते हैं, कि स्टेल स्पाइन पर जब हेड होता है उसको अपन एंगेजमेंट बोलते हैं, या इसी को अपन बोलते हैं स्टेशन जीरो। भी मैंने आपको बताया था स्टेशन जीरो भी क्या है, यही है। यहां पर जब फीटल हेड प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहां पर जब फीटल हेड प्रेजेंट होता है इसको अपन बोलते हैं एंगेजमेंट, और
इसी से अपन डिस्टेंस अपन चेकआउट करते हैं, जब माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री या माइनस फाइव तक जो होता है ये डिस्टेंस होता है इन सेंटीमीटर. डिस्टेंस ऑफ द फीटल हेड इन सेंटीमीटर फ्रॉम द स्टिल स्पाइन इज नोन एज स्टेशन. वन टू थ्री फोर फाइव तक होते हैं, ठीक है. जब ऊपर होता है तो माइनस में होता है, जब नीचे होता है तो प्लस के अंदर होता है, ठीक है. तो स्टिल स्पाइन क्या है, एक लैंडमार्क होता है पेल्विस के अंदर, ठीक है. नेक्स्ट वन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की. द अम्बिलिकल वेन कैरिंग द ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा एंटर द फीटस. जो अम्बिलिकल वेन होती है वो ब्लड कैरी करती है कहां से, फ्रॉम द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से एंड एंटर द फीटस, और फीटस के अंदर एंटर करती है. तो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं. जो अम्बिलिकल वेन होगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी विद 80% ऑक्सीजन सैचुरेशन. नेक्स्ट वन इज द ऑक्सीजन ब्लड by the 25% saturation. Next one is the deoxygenated blood and last one is the both A and C. तो umbilical vein जो होती है वो oxygenated blood circulate करती है या deoxygenated blood circulate करती है. अगर oxygenated करती है तो 80% होता है या 25% होता है. तो आपको बता दूं मैं, umbilical vein और umbilical artery के अंदर देखिए placenta होता है. इसके regarding कुछ दो चार question आपको और बता देता हूं मैं, जहां से आपके question बन सकते हैं. ये यूट्रस है, ठीक है. यहां से क्या है, प्लेसेंटा अटैच है. यूट्रस के अंदर क्या है, प्लेसेंटा अटैच है. यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा अटैच है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, दिस इज द एंट्रीविलस स्पेस एंड दिस वन इज द विलाय सिस्टम. ये क्या होते हैं, विलाय सिस्टम. और यहां से क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड. अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर क्या है, एक होता है अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी. वेन तो क्या होगी, ब्लड कैरी करती है, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है फीटस के अंदर, ठीक है, ब्लड को लेके जाती है. जबकि अम्बिलिकल आर्टरी की बात करें तो वापस ब्लड को लेकर आती है, ठीक है. दिस वन इज द अम्बिलिकल वेन एंड दिस वन इज द अम्बिलिकल आर्टरी. अब देखिए यहां से आपको क्वेश्चन पूछा है कि ये जो ब्लड जा रहा है अम्बिलिकल वेन के अंदर, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड है, या फिर यहां पर ऑक्सीजन की सैचुरेशन जो होती है वो कितनी होती है. तो ध्यान रखना, इसमें जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होगी वो होगी 80% ऑक्सीजन सैचुरेशन ब्लड होता है इसके अंदर, ठीक है. ऑक्सीजनेटेड सैचुरेशन ब्लड होता है, 80% सैचुरेशन प्रेजेंट होती है. अब यहां पर देखिए इसमें ब्लड कहां से आता है, कई बार ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है. तो यूटराइन आर्टरी होती है, कौन सी, यूटेराइन आर्टरी ब्लड लेकर आती है वापिस. जो यूटराइन वेन है वो वीनस रिटर्न ब्लड लेकर चली जाती है, ठीक है, यूटेराइन वेन. इंट्रेविलस स्पेस के अंदर कितना ब्लड फिलअप होता है, 150 ml ब्लड प्रेजेंट रहता है. जबकि बात करें, ये है इंट्रेविलस स्पेस, कौन सा है, IVS, इंट्रेविलस स्पेस, ठीक है. और दिस वन इज द विलाय सिस्टम, विलाय सिस्टम. और इस विलाय सिस्टम में कौन सी विलाय प्रेजेंट होती है, टर्सरी विलाय प्रेजेंट होती है. कौन सी, टर्सरी विलाय प्रेजेंट होती है. टर्सरी विलाय कैसी होती है, वैस्कुलर. इसका फॉर्मेशन कब होता है, 21 डेज पे इसका फॉर्मेशन होता है. प्राइमरी और सेकेंडरी जो विलाई होती है वो एवैस्कुलर होती है, ठीक है. केवल टर्सरी विलाई क्या होती है, वैस्कुलर विलाई होती है. इसका फॉर्मेशन होता है 21 डेज पे. फीटस के अंदर जो सर्कुलेशन स्टार्ट होता है वो भी 21 डेज पे स्टार्ट होता है. फीटस का जो हार्ट होता है वो भी पंप आउट करना कभी स्टार्ट करता है 21 डेज पे. क्योंकि टर्सरी विलाई क्या होती है, वैस्कुलर विलाई होती है. ये क्या होती है, विलाय स्टेम के अंदर प्रेजेंट होती है. विलाय स्टेम के अंदर जो ब्लड होता है वो होता है 350 ml ब्लड होता है, ठीक है. अब यहां पर एक बार, कई बार फ्लो रेट भी आपको पूछ लेता है, जो ब्लड होता है वो किस रेट से फ्लो हो रहा है. तो विलाय सिस्टम के अंदर ध्यान रखना, जो ब्लड फ्लो होता है एट द रेट ऑफ 400 ml पर मिनट के हिसाब से क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है बाय द अम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है. और यहां पर जो ब्लड फ्लो होता है वो होता है 500 to 600 ml पर मिनट बाय द यूट्राइन आर्टरी, ठीक है. इंटरवेलस स्पेस के अंदर 500 टू 600 ml पर मिनट क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, ठीक है. देखिए राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपियर होती है, ठीक है. राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपियर होती है एट द एज ऑफ 4th month, ठीक है. यूट्राइन आर्टरी में 500 टू 600 ml,
जी बिल्कुल, यूट्राइन आर्टरी के द्वारा ब्लड फ्लो होता है, और ये जो अपन बात करें ना 500 टू 600 एंड 400 ml, ये बात करें किसके अंदर, 500 से 600 ml जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो हो रहा है इंटरविलस स्पेस के अंदर, और जबकि जो 400 ml ब्लड फ्लो हो रहा है वो हो रहा है विलाई सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात करें, यहां से ब्लड निकला तो यहां पर ऑक्सीजन सैचुरेशन थी 80%, ये ब्लड सीधा कहां पर जाएगा, फर्स्ट प्योर ब्लड पास टू द लीवर, ये सबसे पहले कहां पर जाता है, लीवर के अंदर जाता है फर्स्ट प्योर ब्लड। ये भी आपको कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट जो प्योर ब्लड होगा वो लीवर के अंदर ट्रांसफर होता है, ठीक है। देखिए आपको अगर किसी भी रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो सपोर्टी नंबर पे आप कॉल करके पूछ लेगा, ठीक है। बाकी आप क्लास से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। देखिए यूट्राइन आर्टरी से ब्लड फ्लो की बात नहीं कर रहे 500 टू 700 ml, वो होता है इंटरविलस स्पेस के अंदर सर्कुलेट हो रहा है वो ब्लड, ठीक है, इंटरविलस स्पेस के अंदर। जी बिल्कुल, 4 मंथ से पहले 2 umbilical artery 2 umbilical vein होती है, लेकिन 4 मंथ के बाद में क्या होगा, राइट अम्बलाइकल वेन डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट प्योर ब्लड किसमें जाता है, लीवर के अंदर जाता है, देन उसके बाद में यहां से ब्लड क्या होगा, जो बाईपास हो जाता है, ठीक है, यहां से क्या आ रहा है, बाईपास हो रहा है, और किसके अंदर जा रहा है ये आईबीसी, इंफीरियर वेना कैवा के साथ क्या हो रहा है, बाईपास, दिस इज द फर्स्ट बाईपास चैनल, ये क्या है, फर्स्ट बाईपास चैनल होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, डक्टस विनोसस, क्या बोलते हैं, डक्टस विनोसस। अब ये इंफीरियर वेना कैवा में जाने के बाद में इंफीरियर वेना कैवा कहां लेके आएगी इस ब्लड को, राइट एट्रियम में लेके आती है, ठीक है, इंफीरियर वेना कैवा राइट एट्रियम में लेके आती है। यहां पर ऑक्सीजन सैचुरेशन रहती है 70%, कितनी रहती है, 70% ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। उसके बाद में कंप्लीट ब्लड फ्लो फ्लो आउट होगा, और वापिस जब ब्लड कहां पर आएगा, अम्बिलिकल आर्टरी है ना, यहां पर जब ब्लड वापस आएगा अम्बिलिकल आर्टरी में, तो इसमें ब्लड सैचुरेशन रहती है 50-60% ऑक्सीजन सैचुरेशन प्रेजेंट रहती है। अम्बिलिकल वेन के अंदर रहती है 80% ऑक्सीजन सैचुरेशन, अम्बिलिकल आर्टरी में रहती है 50-60% ऑक्सीजन सैचुरेशन, इंफीरियर वेना कैवा के अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन रहती है 70% ऑक्सीजन सैचुरेशन, और फर्स्ट बाईपास ब्लड जो होता है वो लीवर को अपन बाईपास करते हैं, और फर्स्ट बाईपास चैनल कौन सा होता है, डक्टस विनोसस होता है, ठीक है। इन बिटवीन टू वेन, अम्बिलिकल वेन एंड इन्फीरियर वेना कैवा, एक ऐसी डक्ट जो दो वेन के बीच में प्रेजेंट होती है, इन बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इन्फीरियर वेना कैवा इज नोन एज द डक्टस विनोसस, इसका जो रेमिनेंट होता है वो कहलाता है लिगामेंटम विनोसम, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। जी 4 मंथ पे डिसअपियर होती है। देखिए लीवर से दोबारा बताएं, लीवर से जैसे ब्लड क्या होगा, बाईपास होगा, 1/3 ब्लड लीवर के अंदर जाता है, और 2/3 ब्लड क्या होता है, मैक्सिमम ब्लड कहां पर जाता है, इन्फीरियर वेना कैवा में, इन्फीरियर वेना कैवा राइट एट्रियम में लेके आएगी, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर, और फिर क्या, जो मैक्सिमम ब्लड होगा वो फोरामेन ओवल के द्वारा लेफ्ट एट्रियम के अंदर चला जाता है, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और फिर कहां पर चला जाएगा, aorta के द्वारा कंप्लीट बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन बात करते हैं, यहां पर आपका जो क्वेश्चन था इसके अंदर आपका कौन सा राइट आंसर होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय द 80% ऑक्सीजन सैचुरेशन। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट टर्म द एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, एट टर्म जो एमनियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है, 800 ml 600 ml 400 ml या 200 ml, एट टर्म एमनियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम कितनी होगी। देखिए एमनियोटिक फ्लूइड की बात करें, एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, अलग अलग जेस्टेशनल एज पे अलग अलग होता है, अपन बात करें 12 वीक पर कितना होता है, 12 वीक पर एमनियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम जो होती है वो होती है 50 ml, 12 वीक पर कितना होता है 50 ml, 20 वीक की बात करें तो 400 ml, नेक्स्ट वन 36 वीक की बात करें यहां पर होता है 1 liter, एंड 38 टू 40 वीक की बात करें
तो होता है 800 ml। ठीक है, अपन यहां पर बात करें एट टर्म, मतलब इन बिटवीन 37 to 42 V, ये सारा क्या है नॉर्मल टर्म की कंडीशन है। बिफोर द 37 प्री टर्म कंडीशन होगी, आफ्टर 42 पोस्ट टर्म कंडीशन होगी। तो टर्म कंडीशन की बात करें तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 800 ml। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए पोस्ट टर्म कंडीशन के अंदर, तो पोस्ट टर्म के अंदर होता है लेस देन 200 ml, लेस देन 200 ml क्या रह जाता है आपका एमनियोटिक फ्लूइड रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मैटरनल मोर्टिलिटी इन द इंडिया। मैटरनल मोर्टिलिटी का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है इंडिया के अंदर, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मैटरनल मोर्टिलिटी, ऑब्स्टेट्रिकल हेमरेज, एनीमिया, अबॉर्शन, सेप्टिसिमिया या प्रोलॉन्ग लेबर। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मैटरनल मोर्टिलिटी रेट इन इंडिया इज ऑब्स्टेट्रिकल हेमरेज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑब्स्टेट्रिकल हेमरेज क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसका, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट का। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम के अंदर। द ओलिगोहाइड्रोएमनियोस इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस के अंदर क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड अमाउंट इज लेस देन 200 ml, और अगर अपन बात करें एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स की तो वहां पर ओवरऑल जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, लेस देन 5 cm, और एक जो लार्ज वर्टिकल पॉकेट होता है उसकी साइज होती है लेस देन 2 cm। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि ओलिगोहाइड्रोएमनियोस रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, किस कंडीशन रिलेटेड है ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, बताइए ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। ऑप्शन आपके सामने है रीनल एजेनेसिस, ईसोफेजियल एट्रेसिया, एनेंसेफेली एंड डाउन सिंड्रोम। देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रीनल एजेनेसिस। अगर रीनल एजेनेसिस होगा तो बेबी क्या होगा, ओलिगो यूरिया होगा, ओलिगो यूरिया। एंड यू नो वेरी वेल द मोस्ट कॉमन जो पार्ट होता है एमनियोटिक फ्लूइड का वो फीटल यूरिन के द्वारा बनता है। सबसे मोस्ट कॉमन जो पार्ट होता है एमनियोटिक फ्लूइड का वो किसके द्वारा बनता है, फीटल यूरिन के द्वारा। अब फीटल यूरिन पास आउट नहीं होगा तो वहां पर एमनियोटिक फ्लूइड की जो क्वांटिटी होगी वो भी क्या रहेगी, डिक्रीज रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट ईसोफेजियल एट्रेसिया, एनेंसेफेली और डाउन सिंड्रोम की बात करें तो यहां पर ये डाउन सिंड्रोम का एक डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं होता एमनियोटिक फ्लूइड से, अदरवाइज बात करें ईसोफेजियल एट्रेसिया और एनेंसेफेली, यहां पर कंडीशन कौन सी होती है, पॉलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन में पूछे डायबिटिक मेलाइटस, ठीक है, या क्लैप्ट लिप, ठीक है, स्पाइना बाइफिडा एंड एनेंसेफेली, ये सारी कंडीशन क्या करती हैं, पॉलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन को कॉज करती है। ठीक है, पॉलीहाइड्रोएमनियोस क्रिएट करती हैं। रीनल एजेनेसिस किसका कॉज है, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। ओलिगोहाइड्रोएमनियोस का मतलब हो गया एमनियोटिक फ्लूइड इज लेस देन 200 ml, लेस देन 200 ml। या अपन बात करें AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, वहां पर अपन कैसे इंडिकेट करेंगे, वहां पर जो ओवरऑल जो साइज होती है AFI में अंदर अपन करते क्या है, किसी भी फीमेल के एब्डोमेन को अपन अंडर द यूएसजी 4 क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, चारों के अपन साइज को क्या करते हैं, काउंट करते हैं, और एक जगह अगर कंप्लीट ओवरऑल इनकी साइज लेस देन 5 cm है या फिर सिंगल कोलन की साइज लेस देन 2 cm है तो दोनों किसको इंडिकेट करते हैं, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, दोनों किसको इंडिकेट करते हैं, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट जेस्टेशनल एज इज ए कंसेप्टस वाइबल या एबल टू लाइव द आउटसाइड द वूम। जो वाइबल प्रोडक्ट होता है कंसेप्शन का वो आउटसाइड द वूम्ब कौन सी जेस्टेशनल एज के बाद में सरवाइव कर सकता है, 9 वीक, 24 वीक, 22 वीक या 30 वीक। तो आपको डायरेक्ट यहां पे पूछा है वायबिलिटी पीरियड,
वायबिलिटी पीरियड के बारे में पूछा गया है, तो वायबिलिटी पीरियड आप सभी को पता है 22 वीक होता है, जस्ट आफ्टर 22 वीक जो प्रोडक्ट होता है कंसेप्शन का वो इजीली सर्वाइव कर पाता है किसके अंदर, एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर सर्वाइव कर पाता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। और अगर यहां पर देखिए दो कंडीशन और पूछ लेते आपको, अबॉर्शन अगर बिफोर 22 वीक, बिफोर 22 वीक एंड वेट इज लेस देन 500 ग्राम अगर फीटल डेथ होती है, फीटल डेथ होती है उसको अपन बोलते हैं अबॉर्शन, ठीक है। और अगर जस्ट आफ्टर 22 वीक, मोर देन 22 वीक एंड वेट इज मोर देन 500 ग्राम और फीटल डेथ होती है उसको अपन बोलते हैं स्टिल बर्थ, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिएगा, सीएचओ और सीआरपीएफ के लिए स्पेशल बैच यहां से चलाया जा रहा है और इसके साथ साथ सीएचओ के लिए सीबीटी टेस्ट स्टार्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट वन सीबीटी टेस्ट आपके चल रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है, तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप अभी भी ज्वाइन करते हो तो प्रीवियस टेस्ट भी आप दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इसके अलावा बीएफयूएचएस की टेस्ट सीरीज कंटिन्यू यहां से चल रही है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, जेसिका 18 ईयर ओल्ड इज ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड ऑफ लेस देन 2 वीक, दिस कंडीशन इज एन एबनॉर्मलिटी इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल नोन एज। कोई गर्ल है जेसिका, ठीक है, वायबिलिटी 24 वीक 28 वीक, ये पहले था, ठीक है, वो अब चेंज हो चुका है, 22 वीक हो चुका है। तो आपको क्वेश्चन पूछा है कि एक गर्ल है उसके अंदर क्या कंडीशन है, इज ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड ऑफ लेस देन 2 वीक, वहां पर ब्लीडिंग हमें देखने को मिल रही है किस टाइम पीरियड के अंदर, इन बिटवीन लेस देन 2 वीक, एवरी 2 वीक के अंदर क्या हो रहा है, ब्लीडिंग की कंडीशन देखने को मिल रही है। दिस कंडीशन इज द एब्नॉर्मलिटी इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक एब्नॉर्मल कंडीशन है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, मेट्रोरेजिया, मीनोरेजिया, एमेनोरिया या डिसमेनोरिया। कंफ्यूज ना हो आप, ऑप्शन वन इज द मेट्रोरेजिया, मीनोरेजिया, एमेनोरिया या डिसमेनोरिया। जी बिल्कुल, ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहां पर क्या हो रहा है, इरेगुलर एंड एसाइक्लिक ब्लीडिंग हमें देखने को मिलती है, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी वो बार बार रिपीट होती रहेगी, उसका कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं रहेगा। यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है बिटवीन पीरियड ऑफ लेस देन 2 वीक, मतलब 15 डेज भी क्या हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट हो रही है, ठीक है, 15 डेज पर ही क्या हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट हो रही है। तो एसाइक्लिक क्या हो गया, यहां पर मेंस्ट्रुअल साइक्लिक हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिल रही है, तो कंडीशन क्या कहलाएगी, मेट्रोरेजिया। रिमेनिंग आप बात करें मीनोरेजिया, मीनोरेजिया को अपन क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द हाइपरमेनोरिया, क्या बोलते हैं, हाइपरमेनोरिया, हाइपरमेनोरिया कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, मेनोरेजिया बोलते हैं, ठीक है। हाइपरमेनोरिया के अंदर जो ब्लीडिंग ड्यूरेशन होता है मोर देन 7 डेज और ब्लीडिंग अमाउंट इज मोर देन 80 ml, बिल्कुल ओबीसी का करवा देंगे आपको, ठीक है। ब्लीडिंग जो ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन इज मोर देन 7 डेज एंड ब्लीडिंग जो होगी वो कितनी होगी, मोर देन 80 ml, वो कंडीशन क्या कहलाएगी, मेनोरेजिया, इसी को बोलते हैं हाइपरमेनोरिया, ठीक है। नेक्स्ट वन है एमेनोरिया एंड डिसमेनोरिया, एमेनोरिया इज द एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिसमेनोरिया इज द पेनफुल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए क्लाइंट इज रिसीविंग द MGSO4 थेरेपी फॉर द सीवियर प्रीक्लैम्प्सिया, द नर्स मस्ट बी अलर्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग साइन ऑफ द एक्सेसिव ब्लड मैग्नीशियम लेवल। ए क्लाइंट इज रिसीविंग MGSO4, कोई क्लाइंट है जिसको अपन MGSO4 दे रहे हैं, ठीक है,
और वहां पर उसको कंडीशन कौन सी है, सीवियर प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन है, तो एक जो नर्स होगी वो उसके अंदर कौन सा कंडीशन असेस करेगी कि अगर जैसे मान लीजिए कि MGSO4 की टॉक्सिसिटी हो जाए, ठीक है, या फिर एक्सेसिव लेवल हो जाए, मीनोमेट्रोरेजिया के अंदर देखिए क्या होता है। एक कंडीशन मैंने बताई मेट्रोरेजिया, एक होती है मीनोमेट्रोरेजिया। जो मेट्रोरेजिया होती है उसके अंदर अपन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल इररेगुलर हो रही है उसको अपन काउंट कर सकते हैं। अगर वही कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर हो जाए उसी को अपन बोलते हैं मीनोमेट्रोरेजिया, ठीक है, बहुत ज्यादा सीवियर तरीके से क्या हो, इररेगुलर हो जाए उसको अपन मीनोमेट्रोरेजिया बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि MGSO4 थेरेपी दे रहे हैं तो वहां पर अगर एक्सेसिव ब्लड मैग्नीशियम लेवल हो जाएगा तो वहां पर कौन सा सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए, इंक्रीज इन द रेस्पिरेशन रेट, सेंसोरियम स्टिमुलेशन, Disappearance of the knee jerk reflex and appear of the cardiac dysarrhythmia. अब आपको पता होना चाहिए कि MGSO4 is the drug of choice for eclampsia. ये किसकी drug of choice है? Eclampsia. And preeclampsia condition में क्या देते हैं अपन? Methyl dopa is the drug of choice for preeclampsia and MGSO4 is the drug of choice for eclampsia. या फिर जैसे मान लीजिए अपन इसे preventive रूप में भी देते हैं, ठीक है? एज ए प्रिवेंटिव देते, जब सीवियर प्रीएक्लेम्सिया कंडीशन होती है तो प्रिवेंटिव कंडीशन में अपन MGSO4 प्रोवाइड करवाते हैं। एंड नॉर्मल सीरम थेरापेटिक लेवल इसका होता है 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट। नॉर्मल जो सीरम थेरापेटिक लेवल होता है वो होता है 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। लेकिन अगर अपन बात करें इसके टॉक्सिक इफेक्ट की, टॉक्सिक इफेक्ट कब देखने को मिलेंगे हमें? If the level is more than 12 milli equivalent per liter, अगर 12 milli equivalent से ज्यादा हो जाएगा तो इसका टॉक्सिक इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। इसको प्रोवाइड करवाने से पहले हमें कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। फर्स्ट वन इज द रेस्पिरेशन रेट, रेस्पिरेशन रेट इज अबाउट मोर देन 12 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द नी जर्क रिफ्लेक्स प्रेजेंट, नी जर्क रिफ्लेक्स प्रेजेंट होना चाहिए। एंड यूरिन आउटपुट मोर देन 30 ml पर हावर, ठीक है, यूरिन आउटपुट मोर देन 30 ml पर हावर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हम अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है पेशेंट तो इसको अपन MGSO4 देते हैं, मतलब MGSO4 देंगे तो इन तीन चीजों पर इफेक्ट आएगा। अब इनमें देखिए आपके क्वेश्चन है, आप ऑप्शन के अंदर इन तीनों के रिलेटेड बात करें तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आपका कोरिलेट करता है। ऑप्शन ए में बता रहा है कि इंक्रीज द रेस्पिरेशन रेट, तो यहां पर देखिए अगर MGSO4 ज्यादा होगा तो रेस्पिरेशन क्या होगा, सप्रेस होगा। नेक्स्ट वन थर्ड ऑप्शन जो आपका डिसअपीयर होता है, नी जर्क रिफ्लेक्स, तो नी जर्क रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाएगा जब मैग्नीशियम सल्फेट जो MGSO4 है उसकी अगर टॉक्सिसिटी होगी तो नी जर्क रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाएगा। नॉर्मली प्रेजेंट होना चाहिए जब हम देते हैं, लेकिन अगर इसकी टॉक्सिसिटी होती है तो नी जर्क रिफ्लेक्स क्या होगा, डिसअपीयर हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नर्स क्या चेक करेगी, नी जर्क रिफ्लेक्स को चेक करती है, ठीक है, कि नी जर्क रिफ्लेक्स डिसअपीयर तो नहीं हो गया है। और अगर इसकी टॉक्सिसिटी होती है तो इसके लिए अपन एंटीडोट देते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट। एंटीडोट के रूप में क्या देते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन देखिएगा, फीटल हार्ट रेट कैन बी एस्कल्टेड विथ ए फीटोस्कोप एज अर्ली एज विच ऑफ द फॉलोइंग। फीटोस्कोप के द्वारा फीटल हार्ट रेट जो है अपन काउंट करते हैं वो कब कर सकते हैं, फीटल हार्ट रेट विद द हेल्प ऑफ द फीटोस्कोप। फीटोस्कोप की सहायता से फीटल हार्ट रेट अपन कब काउंट करते हैं, 5 week, 10 week, 25 and 20 week।
तो फीटोस्कोप की हेल्प से बात करें तो अपन फीटल हार्ट रेट काउंट करते हैं कब, 20 वीक ऑफ जेस्टेशन एज, 20 वीक पर फीटोस्कोप से कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करें 10 वीक पर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस, कौन सा, डॉपलर ट्रांसड्यूसर, डॉपलर ट्रांसड्यूसर, आपको ऐसे पूछ ले जाए एक इलेक्ट्रिक डिवाइस से अपन फीटल हार्ट रेट कब काउंट करते हैं, तो 10 वीक पर कर सकते हैं नॉन इलेक्ट्रिक डिवाइस, या फिर फीटोस्कोप या फिर पिनार्ड स्टेथोस्कोप से अपन कब कर सकते हैं, 20 वीक पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडल हाइट इंडिकेट द लेस देन 12 वीक जेस्टेशन व्हेन द डेट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इज अननोन। क्वेश्चन आपको पूछा गया है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फीट जो फंडल हाइट है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडल हाइट, इनमें से कौन सी फंडल हाइट जो है इंडिकेट करेगी जब 12 वीक का क्या हो, जेस्टेशनल एज चल रहा हो, ठीक है। अब आपको देखिए यहां पर व्हेन द डेट ऑफ एलएमपी इज अननोन, ये सिर्फ आपको क्वेश्चन को घुमाने के लिए बोला गया है, ठीक है। जब आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि इंडिकेट द लेस देन 12 वीक, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडल हाइट इंडिकेट लेस देन 12 वीक जेस्टेशन, कि यहां पर आपको पूछा गया है कि फंडल हाइट कौन सी होगी। जैसे मान लीजिए अगर पेल्विस के अंदर है तो अपन क्या मानेंगे, जीफोइड पे है तो क्या मानेंगे, यूट्रस इन द एब्डोमेन है तो क्या मानते हैं, यूटरस एट द एम्ब्लाई के सतह पर क्या मानते हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली पूछा गया है, अगर आपको वो पता है कि फंडल हाइट कौन से लेवल पर कब रहती है तो आप इजीली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करें यूटरस इन द पेल्विस, अगर यूटरस पेल्विस में रहेगा तो क्या होगा, बिलो 12 वीक, बिलो 12 वीक, 12 वीक से पहले क्या रहता है, पेल्विस के अंदर रहता है, क्योंकि 12 वीक पर कहां रहता है, सिंफाइसिस प्यूबिस पर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट यूट्रस एट द जीफोइड प्रोसेस एट 36 वीक पर रहता है। नेक्स्ट वन इज द यूट्रस इन द एब्डोमेन, यूट्रस कहां पर आ गया, एब्डोमेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एब्डोमेन के अंदर कब हो जाता है, 12 वीक के बाद में, आफ्टर 12 वीक, आफ्टर 12 वीक। नेक्स्ट बात कर रहे हैं यूट्रस एट द अम्बिलिकस, तो 22 to 24 वीक पर, 22 टू 24 वीक पर क्या रहता है, फंडल हाइट अम्बिलिकस के लेवल पर रहती है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया इंडिकेट लेस देन 12 वीक जेस्टेशन, तो कौन सा इंडिकेट कर रहा है, कि यूट्रस पेल्विस के अंदर है तब, या जीपोइड पे है, या एब्डोमेन पर है, या अम्बिलिकस पर है। तो आपको पता है कि जब पेल्विक होगा, जब यूट्रस क्या होगा, पेल्विक ऑर्गन रहेगा, तो इंडिकेट करेगा कि 12 वीक से भी कम है, ठीक है, इंडिकेट लेस देन 12 वीक, यानी 12 वीक से कम उसकी जेस्टेशन एज प्रेजेंट है। जी बिल्कुल, वो मिडवे की बात करें, एब्डोमेन की बात करें तो जस्ट आफ्टर 12 वीक, मिडवे की बात कर रहे हैं। आपको कंप्लीट एक बार बता देता हूं मैं थोड़ा, 12 वीक पर कब होता है, सिंफाइसिस प्यूबिस पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन अम्बिलिकस, 22 to 24 वीक अम्बिलिकस पर होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज द जीफोइड, 36 वीक जीफोइड प्रोसेस, ठीक है। अब मिडवे की बात करें तो 16 वीक, और यहां पर मिडवे की बात करें तो 32 to 40 वीक। तो अब ये चीज आप ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एस्पर्मिया इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब, एस्पर्मिया इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब, क्वेश्चन आपके सामने, सभी को रेस्पॉन्स करना है। एस्पर्मिया जो टर्म है वो किसको डिस्क्राइब करती है,
देखिए दोनों अगर एब्सेंट हैं, ठीक है, एक मिनट, अगर रेस्पिरेटरी रेट और नीजर रिफ्लेक्स दोनों अगर आपको डिक्रीज दे रहा है, या एक चीज सॉरी नीजर रिफ्लेक्स एब्सेंट है और रेस्पिरेटरी रेट भी डिक्रीज है, आपको प्रायोरिटी बेसिस होती है वो चीज कि फर्स्ट प्रायोरिटी अपन कौन सी चीज को असेस करते हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन अपन असेस करते हैं नीजर रिफ्लेक्स को, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, ए स्पर्मिया इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब एब्सेंस ऑफ स्पर्म, एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन इजेकुलेशन, एब्सेंस ऑफ द स्पर्म मोटिलिटी एंड अकरेंस ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म। ए स्पर्मिया किसको डिस्क्राइब करेगा? ए को लॉक कर दो, बिल्कुल सही है। एब्सेंस ऑफ सीमन या कंप्लीट सीमन अगर एब्सेंट होता है उसको अपन बोलते हैं ए स्पर्मिया, ठीक है। अगर एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन इजेकुलेशन, अगर इजेकुलेशन में स्पर्म एब्सेंट हो उसको अपन बोलते हैं ए जू स्पर्मिया। क्या बोलते हैं? ए जू स्पर्मिया। एब्सेंस ऑफ सीमन, अगर सीमन ही एब्सेंट होगा तो कंडीशन कहलाएगी ए स्पर्मिया, और अगर सीमन के अंदर स्पर्म एब्सेंट है उसको अपन बोलते हैं एजू स्पर्मिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एब्सेंस ऑफ द स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म की अगर मोटिलिटी एब्सेंट है उसको अपन बोलते हैं एस्थेनो जू स्पर्मिया, एस्थेनो जू स्पर्मिया। और अगर अकरेंस, ठीक है, ऑफ द एबनॉर्मल स्पर्म, एबनॉर्मल स्पर्म की बात होगी कि यहां पर उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो क्या है, डिस्टर्ब है। अगर स्पर्म की मॉर्फोलॉजी डिस्टर्ब है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टेरेटोजू स्पर्मिया। क्या बोलते हैं? टेरेटोजू स्पर्मिया। एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी इज नोन एज द टेरेटोजू स्पर्मिया एंड एब्सेंस ऑफ द स्पर्म मोटिलिटी इज नोन एज द एस्थेनोजू स्पर्मिया, एब्सेंस ऑफ द semen is known as the aspermia and absence of the sperm in the semen is known as the azoospermia, ठीक है। देखिए placenta का formation कब होता है? प्लेसेंटा फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है जब इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है, और कंटिन्यू वो 3 मंथ्स तक बनता है, ठीक है। 3 महीने तक उसका टाइम पीरियड होता है जब तक वो कंप्लीट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कॉर्पस ल्यूटम जो होगा वो 3 महीने तक बना रहता है, क्योंकि तब तक क्या होता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन चलता रहता है। कंप्लीट फॉर्मेशन जब क्या होगा, 3 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिएगा, CHO और CRPF का बैच आपसे चल रहा है, ठीक है, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर, तो आपको ज्वाइन कर सकते हैं, आप कोल MSS करें और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लिविंग लाइगेचर ऑफ द यूट्रस इज द एंडोमेट्रियम, मिडिल लेयर ऑफ द मायोमेट्रियम, इनर लेयर ऑफ द मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। लिविंग लाइगेचर की बात करें, ठीक है, लिविंग लाइगेचर ऑफ द यूट्रस। अब मैंने आपको ये पढ़ा भी रखा है सेपरेटली क्लासेस के अंदर, तो आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि लिविंग लाइगेचर ऑफ द यूट्रस जो होता है, लिविंग लाइगेचर ऑफ द यूट्रस कौन सी लेयर होती है? मिडिल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम, इनर लेयर ऑफ मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम या पेरीमेट्रियम? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मिडिल मायोमेट्रियम। मिडिल मायोमेट्रियम के अंदर क्या होता है? फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर, फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट द यूटेराइन आर्टरी। यूटेराइन आर्टरी को कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करते हैं, टू प्रिवेंट द पीपीएच एंड प्रिवेंट करते हैं किसको, पीपीएच को, या
ब्लीडिंग स्टॉप, ठीक है, जस्ट आफ्टर द सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। जैसे ही प्लेसेंटा सेपरेट होगा तो वहां से क्या होगा, यूट्रन आर्टरी की जो ओपन एंड है, ठीक है, यूट्रन आर्टरी की जो एंड है वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, और वहां से क्या होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। लेकिन जो मस्कुलर लेयर होती है मायोमेट्रियम, उसकी मिडिल लेयर होती है मिडिल मायोमेट्रियम, उसके अंदर क्या होती है, फिगर ऑफ एट मसल फाइबर प्रेजेंट होती है, जिनके अंदर से क्या होता है, यूट्रन आर्टरी गुजरती है। अब ऐसे अगर मसल फाइबर प्रेजेंट होंगे और उनके अंदर से अगर यूट्रन आर्टरी निकलेगी, इनके बीच में से क्या होगा, यूट्रन आर्टरी गुजरेगी। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इसको क्या करेगी, कंप्रेस करेंगे, ठीक है, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो यूट्रन आर्टरी को कंप्रेस करेगी, और कंप्रेस करके इसको क्या करेगी, ब्लीडिंग को स्टॉप करेगी, एंड टू प्रिवेंट द पोस्टपार्टम हेमरेज, और पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करती है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिएगा, 7 वीक आफ्टर द कंसेप्शन द ग्रोइंग स्ट्रक्चर इनसाइड अ यूट्रस इज नाउ कॉल्ड, आफ्टर 7 वीक, 7 वीक तक जो ग्रोइंग स्ट्रक्चर होती है इनसाइड द यूट्रस उसको अपन क्या बोलते हैं, जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस या नियोनेट। सो 0 to 2 week क्या होता है, जाइगोट, ठीक है। नेक्स्ट 2 to 8 week एम्ब्रियो, एंड 8 to 40 week फीटस। नियोनेट होता है वो अलग अलग होता है, एक होता है अर्ली नियोनेट, एक होता है लेट नियोनेट, ठीक है। अर्ली होता है वो होता है अर्ली नियोनेट एंड लेट, 7 days विद इन बर्थ एंड 8 to 28 days आफ्टर बर्थ, ठीक है। कई बार आपको ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो फर्टिलाइज हुआ है, ठीक है, ओवम फर्टिलाइज हुआ है या फर्टिलाइज एग जिसको बोलते हैं, वो कितने दिन बाद के अंदर यूट्रस के अंदर ट्रांसफर होगा। तो ध्यान रखना, जो फर्टिलाइज एग या फर्टिलाइज ओवम जो होता है या जायगोट जो होता है, वो 3 to 4 days तक क्या रहता है, 3 to 4 days तक कहां पर रहता है, रिमेन इन द फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट रहता है, आफ्टर दैट ट्रांसफर इन टू द यूट्रस, फिर उसके बाद में यूट्रस के अंदर ट्रांसफर होगा। और यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कौन से स्टेज के अंदर होता है, मोरूला, मोरूला स्टेज के अंदर क्या होता है, यूट्रस में ट्रांसफर होगा, और वहां जाकर फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं और जो ना पहले स्टूडेंट डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। सो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, 7 week आफ्टर, 7 week बाद में द कंसेप्ट द ग्रोइंग स्ट्रक्चर इनसाइड यूट्रस, मतलब कौन सा होगा, ऑप्शन बी एम्ब्रियो, ठीक है, ऑप्शन बी इज द एम्ब्रियो। दस से 11 दिन पे इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ द सर्विक्स इज सीन, स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस होगी जो सर्विक्स की, वो हमें कौन से कंडीशन में देखने को मिलेगी, ट्राइकोमोनास, मोनेलियोसिस, गोनोकोकस या गार्डिनेला। स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ द सर्विक्स इज सीन, स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस होती है जो सर्विक्स की, वो हमें कौन सी कंडीशन में दिखाई देगी,
बताइए क्वेश्चन आपके सामने है। स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ द सर्विक्स इज सीन। तो यहां पर देखिए ट्राइकोमोनास बोरेलियोसिस गोनोकोकस या गार्डिनेला। तो देखिए ट्राइकोमोनास वेजेलिनिस कॉज करता है कौन, ट्राइकोमोनेसिस। ठीक है, समझना इसको, इसमें से दो तीन क्वेश्चन आपके बनते हैं। ट्राइकोमोनेसिस जो कौन कॉज करता है, ट्राइकोमोनास वेजेलिनिस। ठीक है, ट्राइकोमोनास वेजेलिनिस क्या कॉज करता है, ट्राइकोमोनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिएगा, दिस वन इज द पैरासाइट इंफेक्शन। दिस वन इज द पैरासाइट इंफेक्शन और यहां पर हमें ग्रीनिश वेजाइनल सीक्रेशंस देखने को मिलते हैं। कौन सी, ग्रीनिश वेजाइनल सीक्रेशन। ठीक है, और यहां पर हमें जो स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस देखने को मिलती है, ठीक है, अभी बताता हूं, वेट कीजिए। मोस्ट कॉमन डेथ का रीजन क्या होता है, यहां पर जो होता है हमें स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ सर्विक्स देखने को मिलते हैं। कौन सी, स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ सर्विक्स। ठीक है, तो ये इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। फर्स्ट वन इज द ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस कॉज करता है, ठीक है, दिस वन इज द पैरासाइट इन्फेक्शन, ग्रीनिश वेजाइनल डिस्चार्ज हमें देखने को मिलता है और स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ द सर्विक्स की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिएगा, When the bag of the water ruptured, the nurse should check the characteristics of the amniotic fluid. The normal color of amniotic fluid is. आपको पूछा गया है normal color of the amniotic fluid is clear as water, bluish, greenish या yellow. क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि जब bag of membrane जो होता है वो जब rupture होगा तो वहां पर हमें amniotic fluid का color कौन सा दिखाई देगा? Bag of water of membrane जो होता है, जो रप्चर होगा तब हमें एमनियोटिक फ्लूइड का कौन सा कलर दिखाई देगा? क्लियर एज वाटर, ब्लूइश, ग्रीनिश, येलोइश, बताइए सभी। ये बिल्कुल क्लियर एज वाटर, वाटर की तरह क्या होगा, वो क्लियर होता है। ठीक है, अगर एबनॉर्मल कलर की कंडीशन देखना चाहें अपन तो ग्रीनिश जो होता है हमें म्यूकोनियम कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, ग्रीनिश कलर जो होगा हमें म्यूकोनियम एस्पेक्ट कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा, जब बेबी म्यूकोनियम को पास आउट कर देता है ड्यूरिंग द इंट्रायूटराइन लाइफ। तो नॉर्मल तो कैसा होता है, क्लियर एज वाटर। ए नर्स इज असाइन ए क्लाइंट विद ए टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ द हाइड्रेटिव फॉर मॉल, Which clinical finding should the nurse anticipate? A client tentative diagnosis of the hydrated formol. अगर hydrated formol का diagnosis अपन कर रहे हैं, ठीक है? So which clinical finding should the nurse anticipate? उस person के अंदर हमें कौन सा clinical manifestation देखने को मिलेगा? Hypotension, decrease the fetal heart rate, unusual uterine enlargement and the painless heavy vaginal bleeding. तो question आपके सामने है कि अगर किसी person के अंदर क्या है? हाइड्रेटी फोर मोल की कंडीशन है, हाइड्रेटी फोर मोल की कंडीशन है तो वहां पर हमें कौन सा जो सिम्टम्स है वो देखने को मिल सकता है? हाइपोटेंशन, डिक्रीज द फीटल हार्ट रेट, अनयूजुअल यूटर्न एनलार्जमेंट एंड पेनलेस से हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग की कंडीशन। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा इन कंडीशन ऑफ द हाइड्रेटी फोर मोल।
तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रेटी फोर मोल जो होता है उसके अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा एंड कोरियोनिक सेल जो होती है, प्लेसेंटा एंड कोरियोनिक सेल का क्या होता है यहां पर, प्लेसेंटा एंड कोरियोनिक सेल का प्रोलिफरेशन होता है, प्रोलिफरेशन होता है ठीक है, जिसके कारण आपको यूटेराइन एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। क्या देखने मिलेगा, यूटेराइन एनलार्जमेंट की कंडीशन देखने को मिलेगी ठीक है। और इसके अलावा यूएसजी के अंदर जब देखते हैं अपन तो अपने को स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलती है, कौन सी, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस। और इसके अलावा परवेजाइनल ग्रैप लाइक क्लस्टर सीक्रेट होते हैं, ग्रैप लाइक क्लस्टर रिलीज होते हैं ठीक है। तो दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, या इसको अपन बोलते हैं लार्ज फोर डेट या लार्ज फोर हाइट भी कंडीशन भी अपन बोल सकते हैं, अनयूजुअल एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्राइन हाइट एंड स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस इन द यूएससी एंड ग्रैप लाइक क्लस्टर रिलीज बाय द पर वेजाइना ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन देखने को मिलते हैं ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, प्लेसेंटा और कोरियोनिक सेल्स का क्या होता है, प्रोलिफरेशन हो रहा है, प्लेसेंटा और कोरियोनिक सेल का प्रोलिफरेशन होता है। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कि वो एक्स्ट्रा ग्रोथ करेंगी, अपनी साइज के अंदर क्या होंगी, एक्स्ट्रा ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती हैं। स्नो स्टॉर्म का मतलब होता है जैसे बर्फ गिर रही है, वैसा अपने को यूएसजी के अंदर देखने को मिलता है ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये आपकी आज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात की थी, और कल अपन जो क्वेश्चन देखेंगे वो होंगे आपकी सीएचएन के रिगार्डिंग, सीएचएन के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन देखेंगे। कुछ टॉपिक्स तो मैंने आपको करवा दिए हैं क्लासेस में, बाकी कल से जो भी क्लास होगी उसमें अपन मोस्टली जो पार्ट आपका सीएचएन का है और उसी के रिगार्डिंग जो जो टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन करवाते जाएंगे ठीक है। जी बिल्कुल, एससीजी का लेवल इंक्रीज हो जाता है, एटलीस्ट 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट तक इंक्रीज हो जाता है, एससीजी का लेवल जो होगा 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट तक क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है इन कंडीशन ऑफ द हाइड्रेटी फॉर मोल के अंदर ठीक है। कल की क्लास का टाइम है आपको डाल दिया जाएगा 8 या 8:15 बजे जो भी क्लास होगी, और उसके अंदर अपना टॉपिक होगा सीएचएन के रिगार्डिंग। अब जो सीएचएन का आपका सिलेबस दिया हुआ है उसी के रिगार्डिंग एक एक टॉपिक के साथ अपन क्वेश्चन सॉल्व आउट करते जाएंगे ठीक है। और क्लास को आप शेयर कर दीजिए, अगर आपको अच्छी लगे तो आप क्लास को लाइक भी कीजिएगा ठीक है फ्रेंड। और यहां से सीएचओ और सीआरपीएफ के लिए स्पेशल बैचेज चल रहे हैं, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप हमारे सपोर्टिंग नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा बीएफएचएस की टेस्ट सीरीज आपकी कंटिन्यू यहां से चल रही है, और सीएचओ सीबीटी जो एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप हर एक स्टूडेंट इसके साथ अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहां पर आपको 15 टोटल टेस्ट मिलेंगे, अगर आप आज भी ज्वाइन करते हो तो आप फर्स्ट टेस्ट से आप अटेम्प्ट कर सकते हो ठीक है। और जितने बच्चों ने टेस्ट दे दिया है उनके साथ आपकी रैंक इवेलुएट होगी ठीक है। तो आप अपनी रैंक के साथ खुद को एनालिसिस कर सकते हो कि आपने जो मेहनत की है आप खुद को कहां पर आप सर्वाइव कर पा रहे हो ठीक है। क्लासेस सारी अपलोड रहती है यूट्यूब पर, सारी क्लासेस अपलोड रहती है, ऐसा नहीं कि क्लास को हटा दिया जाता है ठीक है, आप बाद में भी क्लास को देख सकते हो। तो अब देखिए, अभी आपके पास टाइम है, जब तक एग्जाम का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है आप हर एक दिन अगर आप डेली 7 से 8 घंटे भी अगर आप मैनेज करते हो तो आप अपने टारगेट को अच्छे से अचीव कर पाओगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस एक बहुत ही बेटर ऑप्शन आपके लिए, क्योंकि हमने जो सीबीटी टेस्ट स्टार्ट किया है ताकि सारे स्टूडेंट यहां से जुड़ सके, और अगर सारे स्टूडेंट एक साथ एग्जाम देंगे तो आपको एक रियल एग्जाम वाला फील आएगा, क्योंकि जब एग्जाम आप देने जाओगे तो भी आपको वही सारे स्टूडेंट मिलेंगे। अगर आप इस प्लेटफॉर्म से सारे बच्चे एक साथ एग्जाम देते हो तो खुद को आप एनालिसिस कर सकते हो कि हम अदर स्टूडेंट से खुद को कहां पर अपनी वैल्यू है या कहां पर अपने आप को आप सेटल कर पाते हो ठीक है। तो रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और रिविजन, क्योंकि ज्यादातर थ्योरी पोर्शन ही है आपके एग्जाम के अंदर तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी को आप जितना रिवाइज करोगे उतना ही आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होता रहेगा ठीक है। और मंडे तक हम सीएचओ स्पेशल नोट्स भी लेकर आने वाले हैं, अगर आपको किसी को रिक्वायरमेंट हो तो आप हमारे सपोर्टिंग नंबर पे कॉल कर दीजिएगा ठीक है फ्रेंड। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। अपकमिंग वैकेंसीज का जो भी इंफॉर्मेशन होगा आपको डाल दिया जाएगा ठीक है। मैं आपको क्लासेस